नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैंने आपको हिंदी व्याकरण पाठ 4 संज्ञा ठीक है पढ़ा दिया था। जो काम दिया था मैंने आपने कर लिया होगा। मैंने दिया था आपको संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करना था आपको अपनी कॉपी में। और आज हम करेंगे उसका अभ्यास कार्य, पाठ 4 का अभ्यास कार्य। अभ्यास काल में दिया हुआ है प्रश्न 1 में मौखिक अभ्यास, ठीक है। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3, ठीक है। लाल किला किस संज्ञा का उदाहरण है? ये हो गया व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है। अब है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मित्र और मित्रता में भाववाचक संज्ञा बताइए। क्या है भाववाचक इसमें? मित्रता, ठीक है बेटा। यह प्रश्न 2 करना नहीं है आपको। प्रश्न 3, अधोलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करना है, ठीक है। भारत देश त्योहारों का देश है। ठीक है। अंशुल और अनन्या अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रहे थे? नैनीताल। ठीक है। घर पर क्या था? घर पर माता जी के साथ सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं। अनुभव की जाने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। जिन शब्दों से समुदाय का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक। ठीक है बेटा, यह है रिक्त स्थान। अब है प्रश्न 4, अधोलिखित वाक्यों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है। रास्ते में अंशुल का पेन खो गया, ये तो सही है, उसका पेन खो गया था अंशुल का। सुभाष चंद्र बोस भाववाचक संज्ञा है, ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। सुभाष चंद्र नाम है ये, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। गाय और शेर जातिवाचक संज्ञाएं हैं, तो क्या है? ये सही है। खटास और मिठास व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ये गलत है, ये भाववाचक है। ठीक है। लड़ाई और चुनाव समुदायवाचक संज्ञाएं हैं, सही है। जब लड़ाई होती है तो इकट्ठे हो जाते हैं ना, ग्रुप में बना लेते हैं। जब चुनाव होता है, वोट पड़ते हैं, तब भी इकट्ठे होकर जाते हैं सभी लोग, ठीक है। प्रश्न 5, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तरों का सही विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न जो हैं उसमें 3 विकल्प दिए हैं, जो सही है आपको उस पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएँ कौन सी हैं? लुगाई सुराही, कढ़ाई जमाई या पढ़ाई लड़ाई? तो इसमें है पढ़ाई लड़ाई। मूल रूप से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं? प्रेम सत्य, शेषव मित्रता, महत्ता अच्छाई। तो ये है भाववाचक शेषव और मित्रता। दूध पूर्ण भोजन है कि संज्ञा का उदाहरण है? द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है।
समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं? कुर्ता, पायजामा, पुस्तक पेन, सभा और टोली। ये सभा टोली आ गया ना, तो ये क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं? रमेश, गीता, कक्षा, सभा, गाय, पुस्तक। तो रमेश और गीता नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई ये। ठीक है, प्रश्न 6, अधोलिखित का सही मिलान कीजिए। जो सही है उसके साथ आपको मिलान करना है। पशु का पशुत्व, मीठा का मिठास, कमाना का कमाई, मित्र का मित्रता, बनना का बनावट। ठीक है, ये जो अभ्यास कार्य है आपको अपनी हिंदी ग्रामर की बुक में करना है। ठीक है।